पुलिस को आईजी भारती अरोड़ा द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने कोरोना कर्मवीरों की टीम को प्रशंसा व नगद इनाम देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर भारती अरोड़ा ने कहा है कि इंस्पेक्टर विक्रांत व उनकी 6 सदस्यीय टीम और डॉक्टर सुनील कुमार, रेड क्रॉस सेक्रेटरी करनाल व इनकी सहयोगी डॉक्टर अमन यादव का कोरोना को हराने में सराहनीय रोल है। आपको बताते चले कि ये वे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने अपने फर्ज को अपनी जान की परवाह किए बिना बखूबी निभाया है। इन द्वारा कोरोना इन्फेक्टेड व सस्पेक्टेड व्यक्तियों को उनके घर से एम्बुलेंस के माध्यम से लाकर उनको अस्पताल में दाखिल कराने, क्वारंटाइन करने व आइसोलेट करने का कार्य किया जाता है। वहीं भारती अरोड़ा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के प्रयासों से सहायक उप निरीक्षक सुरेश पुनिया व उनकी टीम द्वारा पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एंटीवायरस बॉक्स, यूवी बॉक्स तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक पुलिस कर्मचारी अपने प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वर्दी व अन्य सामानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने जो भी जिलों के प्रत्येक थानों में इस बॉक्स को उपलब्ध कराने में सहमति दिखाई है, दूसरे राज्यों के द्वारा भी इस मॉडल को अपनाया गया है। यहां आपको बताते चले कि भारती अरोड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय करनाल वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अमन यादव, इंस्पेक्टर विक्रांत, उप निरीक्षक सुरेश पुनिया, मुख्य सिपाही बाला, मुख्य सिपाही जसवीर, महिला सिपाही कंचन, सिपाही अशोक, एसपीओ दिलशेर, इलेक्ट्रीशियन पुलिस विभाग सुरेंद्र व जनरल सिंह को प्रशंसा पत्र व नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। काम कर रहे हैं हमारी टीम जो कोविड-19 के सस्पेक्ट्स या पेशेंट्स, उनको लेके आना, उनको हॉस्पिटल में या आइसोलेशन वार्ड्स में उनको भर्ती कराना, ये काम हमारी ये टीम कर रही है, जिसमें 2 डॉक्टर्स हैं हमारे और बाकी हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर साहब हैं और उनकी टीम है पूरी। तो ये टीम को सबसे ज़्यादा खतरा है शुरू में, जब ये वो काम है जो कोई करना नहीं चाह रहा था। शुरू में जब ये काम हमने शुरू किया तो कोई आना नहीं चाह रहा था, कोई आगे नहीं आना चाह रहा, सब डर रहते कि कोविड-19 पेशेंट के पास हम कैसे जाएंगे। लेकिन इस टीम को इतनी अच्छी तरीके से हमारे एसपी साहब ने ब्रीफ किया, उनको बहुत ही बहादुरी से ये काम कर रहे हैं। सभी को डर लगता है कोविड-19 के पास, पेशेंट के पास जाने में, लेकिन ये हमारी टीम बिल्कुल निडर होकर और बहुत बहादुरी के साथ और जज्बे के साथ ये काम कर रही है। तो हमें गर्व है हमारी इस टीम के ऊपर। हमारे इंस्पेक्टर विक्रांत हैं और उनकी पूरी टीम है, हमारे 2 डॉक्टर साहब हैं, इनके हम पर हमें गर्व है कि इनकी मेहनत की वजह से, हमारे CMO साहब हैं डॉक्टर अश्विनी, इनकी मेहनत की वजह से आज हमारे करनाल ज़िले में ये कोविड-19 जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में है और हमारी टीम्स दिन रात मेहनत करके काम कर रही हैं। दूसरी हमारी टीम जिन्होंने अल्ट्रा वॉलेट ट्रंक्स बनाए हैं, सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और इलेक्ट्रीशियन और SPO हमारे, तो इन्होंने अल्ट्रा वॉलेट ट्रंक्स बनाए और वो ट्रंक्स इतना अच्छा पसंद आया लोगों को वो आइडिया, और इतने हेल्पफुल हैं वो सैनिटाइज करने के लिए हमारे यूनिफॉर्म बेल्ट कैप्स वगैरह को, कि ये आइडिया बहुत सारे लोगों ने अब किया है, इसको इस्तेमाल किया है। हमारे DGP हरियाणा ने कहा पूरे हरियाणा में हर ज़िले में इसको बनाया जाए, हर पुलिस स्टेशन को अब ये पहुँचाया गया है, और बहुत सारे स्टेट्स के ऑफिसर्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया, वो भी जानना चाहते थे कि इसको कैसे बनाया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.